तो दोस्तों हम आए थे परिताल, बहुत ही खूबसूरत जगह, और लगभग वक्त हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं। यहाँ के जो पास की शॉप जो हमने स्टार्टिंग में दिखाई थी, उन्होंने हमसे कहा कि टाइम से हमें भी निकल जाना चाहिए। सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, जो 2-4 टूरिस्ट थे और वो भैया भी दुकान क्लोज करके जा चुके हैं। मैं यही बताना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन जगह है, ये लोग स्नान कर सकते हैं। गहरा पानी है इसलिए हम पानी में नहाने नहीं गए, लेकिन हमने बहुत सी प्यारी मछलियाँ देखी। आप देखेंगे इस वीडियो में, आपको अच्छा लगेगा। बाकी हम अब निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि इतना हम नीचे चल के आए थे, लगभग आधा घंटा 40 मिनट हमें ऊपर भी चढ़ना होगा। बहुत ही मुश्किल हो रहा है अभी तो फिलहाल उतरना। मैं एक चीज तो जरूर रिकमेंड करूंगा, ये चप्पल पहन के आए भाई, इसलिए इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक चीज तो कहूंगा भाई, जो भी भाई लेडीजों के साथ आए वो कोशिश करें कि यार लेडीज के साथ ना आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है मामला, सब कुछ सेफ है एकदम। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ की जो चढ़ाई है, उतरना चढ़ना बहुत भारी है, और जूते कर सकती है, कर सकती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बस मजबूती से आए, ज्यादा एजिट ना आए, और लड़कियां भी आए तो अपने जूते स्पोर्ट्स वाले पहन के आए, हील्स वाले वगैरह ऐसी या सैंडल वगैरह ना पहन के आए, और चप्पल पहन के जो भी भाई आए तो वो चप्पल पहन के ना आए, क्योंकि यहाँ मैं जूते पहन के आया हुआ हूँ, मुझे जब भी इतनी दिक्कत हो रही है तो सोची चप्पल में सोहिल भाई चप्पल पहन के आए हुए हैं। सोहिल भाई को कितनी दिक्कत हो रही है मैं जानता हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम वापस जाते हुए और आपको दिखाएंगे सारा व्यू वापस जाते हुए का, और चढ़ाई अभी तो हम उतर रहे हैं सिर्फ ढलान पे, अभी हम चढ़ाई पे भी चढ़ेंगे, जब चढ़ाई पे चढ़ेंगे तब दिखाएंगे आपको। हमें जाना है बहुत ही ऊंचाई पे, करीब 1.5 किलोमीटर हमें अभी चढ़ाई चढ़नी है। उस्ताद जी क्या हो गया, याद आ गई क्या किसी चीज की? आराम से चलते जाओ, हम इधर से आए थे उस तरफ से, हाँ इधर से नीचे नीचे चल के आए थे, नहीं ऊपर से आए थे शायद, हाँ ये वाला बड़ा सा पत्थर था ना, चलते जाओ तुम, चलते जाओ मैं बना लूंगा, हाँ मैं बना लूंगा, चलो चलते जाओ। अजीम भाई पास पास हो जाता है ना थोड़ा, लेपर्ड आ जाना है तो अजीम भाई भागना नहीं है। यार गलत जगह आ गए हम, नीचे से ही जाना था हमें, मेरे ख्याल से उतर जाएंगे हम, इधर से उतरेंगे, खड़ा ही खड़ा उतर जाएंगे। जाऊंगा जी भाई, पानी इतना क्लीन है, जानवर के पीने के लिए तो इतनी बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन वैसे इतना साफ है, पहाड़ से आ रहा है और जड़ी बूटियों में से टकराता हुआ आ रहा है, बहुत ही क्लीन पानी है, पीने के लिए साफ सुथरा है, पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, भले ही खाई जाएंगे बहुत ही साफ सुथरा पानी है, हम इसे पी भी सकते हैं क्लीन, जैसे हमारा फिल्टर का पानी होता है। टेस्ट भी बिल्कुल मीठे पानी,
सा, लड़की फिल्टर के पानी के साथ। तो जी चढ़ते हुए बहुत ही खतरनाक रास्ते पे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खतरनाक रास्ते पे। सुंदर तो है, देखने में सुंदर है, मौसम भी बड़ा। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं ऊपर रोड पे और हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ। अभी हम पूरी तरह अपनी बाइक के पास पहुँचे भी नहीं हैं, तो शोहिल भाई की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो रखी है। मेरी तो हो ही गई थी बहुत ही ज़्यादा, लेकिन शोहिल भाई की भी हो रखी है। तो शोहिल भाई क्या कहना चाहोगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? कहना ये चाहेंगे कि फुल ऑफ एडवेंचर था, मज़ा आ गया। आप लोग भी आएँ, इसको फील करें। और मैं सच बताऊं अपने दिल की, तो मैं आया हूं दिल्ली से, जहां टेम्परेचर है 45-46 और इस वक्त मैं यहां बैठा हूं, कोहरा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है। थोड़ी देर पहले मेरे को ऐसा लगा था बहुत पसीना आ गया, लेकिन अब वो पसीना बिल्कुल ही एक मिनट में सूख चुका है और ठंडा ठंडा एहसास हो रहा है मुझे। और बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस रहा। नीचे भी दुकान भी थी जहाँ हमने सोचा कि टूरिस्ट प्लेस तक नहीं होगा, हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारी तरह और भी लोग हैं जो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने निकलते हैं। हम मिले 6-7 लोगों से, कुछ हमने फसल के बारे में भी जानकारी ली और कईयों से हमारी बात भी हुई। हमने यहाँ के जो मुद्दे हैं उन पर भी बात छेड़ी, काफ़ी सारी बातें हुई। जो हमने कुछ नई चीज़ें भी देखी, जैसे तारपीन का तेल भी निकलना,
बहुत सारी चीज़ें, बेहतरीन रोड, हर चीज़ एक नंबर, मतलब पैसा वसूल हो गया भाई साहब बिल्कुल ही दिल्ली से यहाँ आगे। मतलब मस्त रहा एडवेंचर, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। और करीब अगर मैं आपको खड़े होकर दिखाऊँ तो मैं उस जगह को दिखा भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि वहाँ तक कैमरे की नज़र भी नहीं पहुँच रही, ना मेरी नज़र ना कैमरे की नज़र पहुँच रही। और 100-100 फीट के तो अंदाज़ा लगा लो, 1 किलोमीटर हम खड़ी चढ़ाई चढ़ के आए हैं, उससे अंदाज़ा ये लगाओ कि एक एक पेड़ जो है ना करीब 100-120 फीट के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं। और हम यहाँ से बहुत नीचे से आए हैं, बहुत नीचे, जो कि घर इतने बड़े बड़े घर दिख रहे थे वो अब बिल्कुल भी यहाँ से नहीं नज़र आ रहे हैं, इतनी गहराई है। तो भाई कमेंट करके बताना आप सब लोग कैसी लगी वीडियो। तो अभी फ़िलहाल लेते हैं हम आपसे विदा, और इस जगह का नाम है परीताल। और बाकी अगर किसी को भी ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए, फुल जानकारी दूंगा मैं, बस आपको एक कमेंट करने की ज़रूरत है, पूरी जानकारी मिलेगी। तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि इस तरह की और वीडियो आपको मिलती रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। चलते हैं फिर, मिलते हैं किसी और वीडियो में।